नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये विदेशी टार्च को रिपेयर करने के बारे में आपको हम सिखाएंगे। दोस्तों, ये मेरा टार्च एकदम डेड पड़ चुका है। यहाँ देखिए, इसका स्विच भी नहीं काम कर रहा है। जो स्विच नहीं काम कर रहा है तो कैसे जलेगा, तो इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप घर बैठे आराम से इस टार्च को रिपेयर कर सकें। तो आइए, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब भी इस तरह का डेड टार्च मिले तो सबसे पहले इसको खोलना हमको बहुत ज़रूरी, खोलना सीखना ज़रूरी है। तो कहाँ कहाँ से ये खुलता है देखिए, यहाँ पीछे से ये खुलता है। यहाँ से हम खोल के और सेल निकाल सकते हैं। ये सेल होता है, यहाँ से खोल के निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से खुलता है, देखिए यहाँ से ये खुल गया। और इसका आगे का यहाँ से खुलता है, तो हम यहाँ से भी इसको खोल देते हैं। यहाँ से खुल गया। अब ये जो बीच में मटेरियल है, इसमें ही टोटल हमारा पार्ट्स लगे हुए हैं। इसको खोलने के लिए हमें ये ऊपर की जो ये प्लेट है, इसी को हमको पहले सबसे पहले खोलना होगा। तो ये किसी किसी में क्लॉकवाइज खुलता है, किसी किसी में एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हमको क्या करना है, देखते हैं किधर से खुलता है। दोस्तों, ये जैसे हम लोग टाइट करते हैं किसी नट को, उस तरह से ये खुल रहा है। ऐसे निकाल लेना है। इसको मैं थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ। इसको निकालने के बाद यहाँ से आपको धक्का देना है। यहाँ से इसे देखिए, ऐसे धक्का देने से ये किसी किसी में थोड़ा टाइट होगा तो आपको थोड़ा प्रेस ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये निकल जाता है। अब इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसका स्विच हमारा ये काम नहीं सही। देखिए, स्विच हमारा थोड़ा उखड़ा हुआ है। तो थोड़ा हम बैठा के इसको देख लेते हैं, काम करने लगे तो ठीक है। इस तरह से इसको हम बैठा देते हैं। तो स्विच काम करने लगा। अब हम इसको चार्जर लगा के पहले हम चेक करेंगे। अब चार्जर यहाँ लगाएंगे और हम स्विच दबा के देखते हैं, हमारा जलता है। देखिए, जल रहा है, लेकिन बहुत हल्का जल रहा है। अब ये दो कारण हो सकता है, या तो स्विच हमारा गड़बड़ होगा या बल्ब भी गड़बड़ हो सकता है। तो स्विच को हम पहले शॉर्ट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ स्विच भी हमारा तब सही है, स्विच सही काम कर रहा है। अब क्या करना है हमको, यहाँ वोल्टेज चेक करना है इसका। तो वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए, यहाँ हमारा जो चार्जिंग वाला सॉकेट लगा हुआ है, ये होता है बीच वाला प्लस। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, यहाँ ये बीच वाला जो होता है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो यहाँ प्लस की सप्लाई यहाँ ऐसे होके और इस प्लेट पर चली जाती है, और माइनस वाली सप्लाई यहाँ अर्थ होके इस अर्थ से फिर बैटरी पे जाती है। तो सबसे पहले चार्जर लगा के हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं। तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे। दोस्तों, यहाँ सप्लाई चेक करने के लिए, क्योंकि ये प्लस है, तो ये प्लस यहाँ से इस सर्किट यहाँ पे जा रहा है इस प्लेट पे, तो हम प्लस वाला वायर यहाँ रख लेते हैं और माइनस वाला यहाँ है। देखिए, यहाँ वोल्ट हमको 7.2329 मिल रहा है, और इसके माइनस पर भी यहाँ हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा जो वोल्ट है या सप्लाई है यहाँ कम है 0.2। तो यहाँ जो ये लगा हुआ है, ये वायर इस पीसीबी से जुड़ रहा है, थोड़ा देखते हैं इसको। हाँ, ये यहाँ लूज है, तो सबसे पहले इसको हमको रिसोल्ड करना होगा। तो दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से सोल्ड कर देते हैं जिससे हमारा जो लूज पॉइंट है वो ख़त्म हो जाए। अभी हमारा अच्छी तरह से सोल्ड हो चुका है। अब इसको हम चेक करते हैं एक बार। देखिए, यहाँ बराबर वोल्ट अब आने लगा, लेकिन अभी भी हमारा बल्ब जो है वो जल नहीं रहा है। तो ये चार्जर से हमारा जल नहीं रहा है, जबकि हमारा लाइन सब कुछ सही हो गया है और हमारा स्विच भी ये आराम से दब रहा है। अब इसको हम एक बार बांध के सेल जोड़ के तब देखते हैं कैसे बांधना है। यहाँ देखिए, और इसमें ये प्लेट हमको ऐसे लगाना है, और यहाँ फिर इसको ऐसे फिट कर देना है, ऐसे फिट करके। और ये जो अंदर स्विच लगा होता है, ये स्विच हमारा, इसको ध्यान देना है, इसमें एक गोली लगा रहता है, गोली गिरे ना, नहीं तो आपका फिर स्विच पूरा बटन दूसरा बदलना पड़ेगा। ऐसे लगाएंगे और फिर आराम से, सॉरी इधर से लगेगा, बल्ब का वाला मुंह इधर है। तो ऐसे हम देखिए, अंदर हम इसको लगा दिए हैं। अब हमारा स्विच भी काम कर रहा है। अब क्या करना है, यहाँ
ये इसके ऊपर ये प्लेट लगा के ये प्लेट हमको सही से बैठा देना है, और सही से बैठा के यहाँ फिर यहाँ हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ इस नट से कस देंगे। अब एक बार हम इसमें फिट करके देखते हैं। सेल का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, सेल का वोल्टेज हमारे कितना है। 2.62 यानी हमारा सेल भी लगभग चार्ज है। अब डालते हैं, तो अब हम इसे ऑन करके चेक करते हैं। दोस्तों देखिए मेरा टार्च अच्छी तरह जलने लगा। वो चार्जर से इसको वोल्टेज पूरा नहीं मिल रहा था, इसलिए हमारा टार्च जल नहीं रहा था, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसको हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर आप भी इसको आसानी से खोलना और बांधना केवल जान जाएंगे तो अंदर की जो भी खराबी होगी वो आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इसका माउस लगा देते हैं। ये हमारा टार्च अच्छी तरह से जलने लगा। तो इस तरह से आप किसी भी टार्च को आराम से खोल के रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।